अगर आप एक वाईफाई यूज़र हैं और आपको एक दिक्कत आ रही है कि आपका वाईफाई जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर आपके पीसी में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसकी जो दिक्कत है आपको दिख रही होगी, यहाँ पर LOS पे रेड लाइट जल रही है। LOS का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल, मतलब कि इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पावर जो है हमेशा ऑन है रहती है। जब आपका जो है, ये देखिए ये बंद हो गई है लाइट, अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट आ जाती है। तो यहाँ पर LOS का मतलब है कि आपके सिग्नल के अंदर, मतलब के जो वायर इसको अटैच करती है या फिर जहाँ पर कनेक्शन है वहाँ से कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं से हट गया है, जिसकी वजह से LOS पे रेड लाइट जल रही है। और ये PON क्या होता है? PON का मतलब होता है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। और ये देखिए यहाँ पर रेड लाइट इसलिए जल रही है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो सही तरह नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं घर पे, उसके लिए आपको करना होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है फाइबर वायरिंग जो है इसके अंदर हुई है, मतलब कि ये फाइबर नेटवर्क है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है इस वायर को जो है बड़े ध्यान से निकालना है, क्योंकि ये वायर बहुत ही कोमल होती है, जो कि इसके अंदर एक वायर होती है जो कि बिल्कुल भी खींची नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको एक बार निकाल के दोबारा कैसे सेट करनी है, आप देखिए ये जो दोनों बटन हैं तो ये जो है साइड पे होने चाहिए, ऐसे नहीं लगानी आपने, ऐसे लगानी है। तो ये मतलब कि ये ऑन ऊपर होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप, इसको ऐसे लगाते हैं तो ये कड़क करके आवाज़ आएगी, जिससे जो है ये अटैच हो गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं PON पे जो है लाइट जल रही है, मतलब कि काम करना शुरू कर रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर लाइट वाईफाई की चल रही है, मतलब कि वाईफाई ऑन है, वाईफाई चल रहा है। और इसके बाद LOS जो लाइट है वो अभी बंद हो चुकी है, और कुछ टाइम बाद जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो ग्रीन लाइट आ जाएगी, मतलब कि इंटरनेट जो है वो चलने लग जाएगा। ऐसे ही आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये है फ़ोन, अगर आप यहाँ पर अटैच करते हैं, यहाँ पर आप देखने को ऑप्शन मिल रहा है फ़ोन, अगर आपके घर पे फ़ोन है तो ये लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट चली गई है और इंटरनेट जो है वो वर्क कर रहा है, मतलब कि ये ब्लिंक करने का साइन मतलब है कि आपका इंटरनेट अब जो है वर्किंग में है। इसके बाद जो आते हैं ये LAN है, LAN कनेक्शन, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये LAN कनेक्शंस हैं, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4। तो ये यहाँ पर अटैच करने के लिए होते हैं, अगर आपके पास घर में PC वगैरह है काफ़ी तो वो अटैच करने के लिए है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाईफाई ये वर्क कर रहा है। VPS जो है आपको कभी ये वाला बटन नहीं दबाना है, ये वाला बटन क्या होता है कि रीसेट कर देता है आपका वाईफाई जो है वो रीसेट कर देता है, उसके अंदर जो पासवर्ड वगैरह है वो सभी रीसेट हो जाते हैं। तो आप एक छोटी सी वीडियो से अपने घर में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपना इंटरनेट कनेक्शन, अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, अगर कई बार क्या होता है कि जो वाईफाई राउटर जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार इंटरनेट सही नहीं चलता और कभी कभी जो है वो ड्रॉप करता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप अपने इसको, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये पावर केबल है, इसको निकाल दीजिए। अब जो है ये बिल्कुल बंद हो गया, इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं जल रही है। तो इसको हम 10 मिनट तक कम से कम ऑफ़ रखेंगे, ऑफ़ रखने के बाद जो है आप इसको वायर को दोबारा लगा दीजिए, तो यहाँ पर अब लाइट आ जाएगी और ये ऑन हो जाएगा। इससे क्या है, आपकी जो स्पीड जो है वो वाईफाई की ज़्यादा हो जाएगी पहले से, और ये पहले से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे कि इंसान है वो भी सोता है, कुछ टाइम जो है उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, ऐसे ही वाईफाई को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए करें, जिससे क्या है कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मैंने तो ये मेथड अपनाए हैं और मेरे लिए वर्क किए हैं, अगर आपके लिए भी वर्क करें तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।